झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र कुमार ने जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ जनता को दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4 माह के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, साथ ही चुनाव के समय जो वादे किए थे वो पूरे भी नहीं किए, जिसके कारण प्रदेश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। पूरे क्षेत्र से रहा जनता का लगभग 200 ऊपर ही जाएगी जीत है वो, उसमें सभी कार्यकर्ताओं का उनका सहयोग है, पार्टी ने एकजुटता होकर के काम किया है, उसमें मोदी जी की का पूरा सहयोग है ही है, वसुंधरा राजे का भी पूरा सहयोग रहा है और कांग्रेस पार्टी का भी पूरा वैसे ही सहयोग ही रहा है। उन्होंने 4 महीने कुछ किया नहीं, पहले 2 लाख के लोन की माफ़ किया था, 3500 रुपये बेरोजगारों को देने के लिए कहा था। प्रशासनिक रूप से आप देख रहे हो कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कुछ करी नहीं है सरकार, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार है। अब खुद मुख्यमंत्री का लड़का ही खुद ही हार रहा है, तो पूरी 2500 सीटों आ रही है भारतीय जनता पर। नहीं मंडावा क्या, वो तो मैंने 15 साल काम किया है राजनीति में आने बाद, पूरी जनता को पता ही है, जिले में रहते हैं और इन्होंने 25 साल काम किया शरण जी ने, तो शरण जी ने जैसा किया उन्होंने जनता ने वैसा ही दिया है। मैंने 15 साल अच्छा काम किया तो मुझे अच्छा किया है, जनता ने तो न्याय करती है, अन्याय करती नहीं। ये तो राजनीतिक मामला, पार्टी का पूरे कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग रहा है।